आज हम लोग क्वेश्चन है जैसे कि x के पावर 4 है प्लस 1 बाय x के पावर 4 इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 34 दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है मतलब किसका वैल्यू निकालना है x क्यूब का निकालना है माइनस x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब इक्वल टू व्हाट मतलब इसका वैल्यू निकालना है दिया क्या हुआ ये दिया हुआ है x के पावर 4 प्लस 1 बाय x के पावर 4 इक्वल टू 34 इसको कैसे बनाएंगे तो अल्जेब्रिक फार्मूला इसमें यूज करना है या और क्वेश्चन जो है ये अल्जेब्रा का है तो हम इसको उठाएंगे यानी x के पावर जो 4 है यहां से x के पावर 4 प्लस 1 बाय x के पावर 4 इक्वल टू कितना है 34 है अब इसमें क्या करेंगे ये इसका पावर 4 है और यहां पे भी पावर 4 है तो इसको हम ऐसा करते हैं कि दोनों को होल करते हैं यानी इसका पावर अगर 2 करते हैं तो सबका होल हो जाएगा प्लस इसको हम क्या करते हैं इसका पावर 2 करते हैं और सबको होल कर देते हैं सबको होल कर दिया इसलिए कि 1 का भी तो स्क्वायर 1 ही होता है और इसका एस स्क्वायर इसका भी स्क्वायर इसके पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू में क्या दिया हुआ है जो है उसको हम नोट कर दे रहे हैं यानी इसको हम तोड़ दिए क्या किया कुछ किया नहीं अभी बस इस दोनों को तोड़ दिया है फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो इतना होगा फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और एस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे अब यहां पे एक फॉर्मूला आ गया जैसे कि एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इसका दो फॉर्मूला होता है एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक और क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2b यानी अगर यहां पे प्लस तो यहां पे माइनस अगर यहां पे माइनस तो यहां पे प्लस ये दोनों फॉर्मूला कहां से आता है पता है एक आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर से और एक आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर से ठीक है तो अलजेब्रा में इसके पहले हम अलजेब्रा के जो वीडियो बनाए उसे बताए हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा दो फॉर्मूला बताया अभी इसका यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab तो इसमें हम किसका यूज करेंगे इसमें हम किसी का यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ना तो हम इसको क्या करेंगे इसको दो बार लिख सकते हैं दो बार इसको फ्लैट मोड ठीक है हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं अब क्या होगा माइनस 2ab 2 इंटू क्या है एक्स स्क्वायर और इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 34 अब यहां पे क्या है ना कि दोनों को इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे एक्स स्क्वायर से कट जाएगा क्या बच गया अब यहां पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एस स्क्वायर टोटल क्या हो जाएगा यहां पे होल हो जाएगा जो है माइनस ये तो कैंसिल हो गया ना तो क्या बच गया माइनस 2 बच गया यानी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 34 हो गया ठीक है अब क्या होगा यहां पे जैसे कि अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर अब इसको भी हम तोड़ देंगे क्या करेंगे इसको भी हम तोड़ देंगे तो तोड़ेंगे यानी एस स्क्वायर प्लस 1 बाय एस स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 34 और यहां पे क्या है माइनस है ना तो क्या करेंगे इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 34 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 36 अब हम स्क्वायर नहीं है स्क्वायर है तो इधर का हम होल स्क्वायर हटा देंगे अगर होल स्क्वायर इधर हटा दिए जब इधर का होल स्क्वायर हटता है तो इधर किस में आता है रूट में आता है रूट में आ गया जब रूट में आ गया तो 36 यानी किसका ये स्क्वायर रूट है यानी 6 का है 6 लिख देंगे अब इधर क्या हो गया मेरा बस सिंपल हो गया कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं अब क्या करेंगे इसके बाद अब आ गया सिंपल फॉर्मूला यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस अब इस फॉर्मूला जो बताया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये फॉर्मूला अब हम यहां पे क्या करेंगे इसका यूज करेंगे इस फॉर्मूला फिर यूज करेंगे यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सॉरी माइनस 2ab 2 ए और ये बी इक्वल टू क्या है 6 है ए ब्रैकेट दे देंगे अब यहां पे क्या करेंगे जैसे x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर अब यहां पे भी x कैंसिल हो जाएगा क्या बच गया माइनस 2 इक्वल टू 6 फिर x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर इधर 6 इधर माइनस में फिर यहां पे सेम जो कंडीशन यहां पे लगाए थे वो कंडीशन यहां पे लगेगा यानी माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा यानी फिर क्या हो गया अब होगा x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर भी रन देते हैं इसको दोनों को ऐड करते हैं यानी प्लस स्क्वायर छोड़ रख देते हैं अब हमें किधर कितना हो जाएगा
8 हो जाएगा। हो गया। यहां पे ऐसे करते हैं, जो यहाँ पे फॉर्मूला है इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। इसका दो फॉर्मूला होता है ना, एक होता है माइनस वाला और एक होता है प्लस वाला। यहाँ पे हम प्लस वाला यूज करते हैं, यानी अगर यहाँ पे क्या होगा माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, अगर यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर प्लस ही जाएगा तो माइनस। तो क्या बच जाएगा इधर, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। इधर क्या बच जाएगा, सिक्स में से टू गया तो फोर, क्योंकि ऐसा नंबर लाना है ना यहाँ पे जिसका स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो अगर हम 8 लेते हैं, अगर जैसे इधर माइनस होता तो प्लस होता है, पर अगर तो 6 टू 8 हो जाता, तो 8 किसका स्क्वायर रूट नहीं है, इसीलिए हम क्या किया यहाँ पे इसका दोनों फॉर्मूला से इसको यूज किया। हम पहले में ये यूज किया है, क्यों यूज किया है, इसलिए यूज किया है कि अगर उसको 34 में क्या जोड़ने पे 36 रहेगा, तो यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तभी ना 2 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे किए हैं, अगर ये माइनस होता तो इधर आगे प्लस होता 8 होता, लेकिन 8 क्या है किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए उसको क्या किया फॉर्मूला को चेंज कर ये यूज किया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस वन बाई एक्स का होल, होल नहीं करेंगे, इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा, और फिर ये 2 हो गया और ये x माइनस वन बाई एक्स हो गया। अब तो केवल x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है। तो ऐसा करते हैं क्यूबिक बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब करने पे, तो दोनों तरफ अगर हम क्यूब करते हैं x माइनस वन बाई एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 2 का भी क्यूब कर देंगे, सिंपल। अब इसका फॉर्मूला तोड़ देते हैं फॉर्मूला पे, यानी मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू ए माइनस बी का होल क्यू, इसमें थोड़ा सा जल्दी फॉर्मूला के लिए ए क्यू हो जाएगा और माइनस बी क्यू हो जाएगा और माइनस थ्री ए भी हो जाएगा और इन टू ए माइनस बी हो जाएगा, ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला इसको बना देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे एक्स क्यू यानी ए क्यू माइनस वन बाई एक्स का, यानी क्यू यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि वन का क्यू तो वन ही होगा, और क्या है माइनस है ना यहाँ पे, माइनस थ्री ए और ये बी हो गया, ये हो गया, और फिर ये ब्रैकेट में एक्स माइनस वन बाई एक्स क्योंकि ए माइनस बी इक्वल टू क्या है मेरा टू का क्यू, टू का क्यू लिखते हैं अभी। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू, अब क्या बच गया माइनस थ्री। अब यहाँ पे एक जैसे कि एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू यहां से हम ले लेंगे, ये जो है यहाँ पे वैल्यू है ना एक, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू टू, तो इसका वैल्यू यहां से पुट कर देंगे यहाँ पे कर देंगे, यानी टू हो जाएगा, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये टू के पावर थ्री, यानी एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स का क्यू माइनस क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा इक्वल टू एट कर देते हैं, अभी सो तोड़ देते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद ऐसा करते हैं एक्स क्यू यानी इधर क्या लाना है एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स का क्यू, यानी एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू इक्वल टू एट, और इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस सिक्स, यानी दोनों को एड करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 14 हो जाएगा, ये मेरा मतलब आंसर निकल गया।